सो हाय गाइस, माय नेम इज़ गुरमीत एंड यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल सोल बाइकर। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है रेनॉल्ट ट्राइबर RXL वेरिएंट और इसकी चाबी पर हम नज़र डालें। सबसे पहले तो इसमें हमें सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, एक रिमोट की है और यहाँ से आप इसे लॉक कर सकते हैं और यहाँ से जो है अनलॉक कर सकते हैं। एक चाबी में हमें कंट्रोल्स मिलते हैं और दूसरी जो चाबी है इसमें किसी तरह के कंट्रोल हमें नहीं मिलते हैं, सिंपल चाबी मिलती है हमें। यहाँ रेनॉल्ट का लोगो है, यहाँ पर भी हमें जो है रेनॉल्ट का लोगो मिलता है। फ्रंट लुक की अगर हम बात करें तो दोस्तों, फ्रंट में जो है काफ़ी बड़ा सारा जो है रेनॉल्ट का लोगो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है और एक क्रोम की लाइन जो है, क्रोम इंसर्ट आपको यहाँ देखने को मिलता है। बाकी नीचे वाली जो दो रो हैं, यहाँ पर जैसे तीन लाइन्स हैं, तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का क्रोम इंसर्ट नहीं मिलता है। अगर हम बात करें लोअर बम्पर की, तो ये ब्लैक कलर में दिया हुआ है और यहाँ पे किसी भी तरह का जो है LED DRL या फोग लैंप अवेलेबल नहीं होता है। फोग लैंप जो है आपको टॉप मॉडल में भी नहीं आता है, लेकिन LED DRL आपको टॉप मॉडल में मिल जाती हैं। तो अगर हम बात करें इसके हेडलैम्प्स के बारे में, तो आपको बेस मॉडल से ही इसमें जो है प्रोजेक्टर देखने को मिल जाते हैं। तो और बाकी जो हाई बीम है और यहाँ पर जो है आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। हेडलैम्प का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है, अंदर आपको एक क्रोम लाइन देखने को मिलती है, तो इससे जो लुक है ना वो काफ़ी बेहतरीन आ जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लुक के मामले में काफ़ी गुड लुकिंग हेडलैम्प्स हैं और इस तरह का जो कुछ फ्रंट आपको लुक देखने को मिलता है। और बोनट के ऊपर बात करें हम, तो यहाँ पर कुछ क्रीज लाइन जो हैं दी हुई हैं, जो कि इसका जो लुक को है वो एनहेंस कर देती हैं। तो फ्रंट लुक कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। कैसा लग रहा है आपको, आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको ट्राइबर का RXL वेरिएंट का फ्रंट लुक कैसा लग रहा है। बात करें हम साइड में, तो टायर साइज़ की हम बात कर लेते हैं। टायर साइज़ के बारे में हम अगर बात करें, तो इसमें जो है हमें C8 के टायर देखने को मिलते हैं और इसमें हमको 165/80 R14 इंचेस के व्हील देखने को मिलते हैं, जो कि एलॉय व्हील नहीं है, सिंपल व्हील्स हैं। डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर जो है व्हील आर्चेस पर आपको इंडिकेटर देखने को मिलता है। ये जो है पहले टॉप मॉडल में भी यहीं पे आते थे, लेकिन जो अपडेटेड मॉडल है RXZ, उसमें आपको जो है यहाँ की जगह ORVM पर आपको टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। ये वाला जो वेरिएंट है वो सिंगल टोन वेरिएंट है, तो आपको जो सारे पिलर्स हैं वो आपको इसी कलर में मिलेंगे, बॉडी कलर में। ORVM भी जो है आपको बॉडी कलर में मिलेगा। आउटसाइड डोर ओपनर भी जो है बॉडी कलर में आपको मिलते हैं और पीछे का भी जो डोर ओपनर है वो भी आपको बॉडी कलर में मिलता है। यहाँ से आप फ्यूल डालेंगे तो साइड से जो है कुछ इस तरह की लुकिंग आती है कार की। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में अगर हम बात करें, तो 182 mm का जो है आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें इसके बाकी स्पेसिफिकेशन के बारे में, मतलब इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट के बारे में, तो वो आपको जो है स्क्रीन पर आ रही होगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। रूफ रेल्स जो हैं इस मॉडल में नहीं आती हैं, तो रूफ रेल्स आप बाद में एसेसरीज़ के रूप में इंस्टॉल करवा सकते हैं। अगर हम एंटीना की बात करें, तो एंटीना आपको शार्क फिन नहीं मिलता है इसमें, आपको जो नॉर्मल एंटीना मिलता है। यहाँ से थोड़ी सी गाड़ी जो है ऊपर स्लोप है हल्का सा यहाँ से, ताकि जो हेडरूम वगैरह है अंदर के लोगों को वो अच्छा मिले। विंडो एरिया जो है काफ़ी बड़ा है, तो अंदर के लोगों को काफ़ी एयरी फीलिंग आती है। तो अगर हम बात करें पीछे के बारे में, तो आपको जो है यहाँ पर हाई स्टॉप लैंप अवेलेबल है और पीछे से कुछ इस तरह से ये नज़र आती है। बीच में जो है आपको रेनॉल्ट का लोगो देखने को मिलता है, उसके नीचे जो है ड्राइवर की बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है और रेनॉल्ट का जो बैजिंग है यहाँ पर दी हुई है और एनर्जी सीरीज़ का ये इंजन है 1.0 लीटर, तो उसकी बैजिंग आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। और एक खूबसूरत सी आपको टेल लैम्प भी आपको यहाँ देखने को मिलती है, जो कि दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है। पीछे की तरफ और बात करें हम, तो जो रियर बम्पर है वो आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलता है, मतलब जो पूरा का पूरा ये जो व्हील आर्चेस हैं यहाँ से ब्लैक कलर आता है और ये पूरा पीछे का जो बम्पर है पूरा ब्लैक कलर में दिया हुआ है। और यहीं पर जो है आपको रियर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, इसमें 1, 2 और 3 आपको जो है पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। तो बात कर लेते हैं हम इसके बूट स्पेस की, तो बूट खोलने के लिए आपको जो है यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो गाड़ी को अनलॉक करके जब हम इसे दबाएंगे तो जो खुल जाएगा ये। और अभी ये सीट्स जो हैं बाहर हैं, अब इन सीट्स को हम हटा देते हैं, जो पीछे की सीट्स हैं जिनको हम हटा देते हैं, तो 625 लीटर्स का हमें जो है बूट स्पेस आपको मिल जाता है। और जब हम पीछे की सीट्स लगा देते हैं, तो 85 लीटर्स का जो है आपको थोड़ा सा यहाँ पर बूट स्पेस देखने को मिलता है।
लेकिन ये एक इसकी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है इस कार की, कि आप फाइव लोग अगर पांच लोग अगर जा रहे हैं, पांच पैसेंजर हैं, तो आप सीट्स को हटा दीजिए और जो बूट स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा आपको मिल जाता है। फिर हाइड्रोलिक्स यहाँ आपको देखने को मिल जाते हैं। आपके पास जब पूरे सात पैसेंजर बैठे हों, जब सारी सीट लगी हुई हो, तब बूट स्पेस जो है बस थोड़ा सा ही बचता है 85 लीटर्स का। देख सकते हैं बस शोल्डर बैग आ सकते हैं एक दो, तो उससे ज़्यादा तो कुछ आएगा नहीं। एक हेलमेट फिट करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे कवरिंग दी हुई है ताकि जो अंदर के वायर वगैरह है वो दिखे नहीं, तो ये अच्छा है। इसका यूज़ेबिलिटी जो है ना ड्राइवर की वो काफ़ी बेहतरीन है, स्पेस मैनेजमेंट काफ़ी बेहतरीन है। तो अभी मैं जो है पीछे की सीट पर जाने वाला हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा टंबल करके आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह से होती है। तो यहाँ पर जो है एक लीवर दिया हुआ है, इसको हम एक उंगली से टच करेंगे तो इस तरह फोल्ड हो जाएगी। और अब हम अंदर जाते हैं। तो अभी यहाँ पर राजेंद्र भैया और हम मैं बैठा हुआ हूँ, तो हम दोनों के जो नी हैं वो टकरा नहीं रहे हैं यहाँ पे। आपके भी नहीं टकरा रहे? नहीं। आपकी हाइट कितनी भैया? मेरी 5.5। 5.5 है, मेरी 5.8 है। तो दोनों के जो पैर हैं यहाँ नहीं टकरा रहे हैं और आगे भी सही जगह है। तो मतलब रियर सीट्स भी जो हैं इसकी 5.5, 5.6, 5.8 तक के लोगों के लिए काफ़ी सही है। क्यों? कंफर्टेबल है ना, आप यहाँ से आराम से 200-300 किलोमीटर की जर्नी तो आराम से कर सकते हो। तो मतलब इतना स्पेस है हमारे पास के आगे वाली जो सीट है उसको थोड़ा बहुत हम पीछे ले सकते हैं, और ताकि आगे वाले भी जो हैं वो कंफर्टेबल हो जाए। तो अब मैं बैठ जाता हूँ इसकी मिडिल रो सीट्स पर और मैं ड्राइवर वाली तरफ बैठता हूँ, क्योंकि ड्राइवर हाइट जो है, ड्राइवर सीट जो है मेरी तरफ से मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। तो मुझे जो नी रूम है वो काफ़ी मिल रहा है। अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा सा इसको पीछे कर सकता हूँ, क्योंकि पीछे जो नी रूम है वो 5.5 के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा था, तो इससे भी ज़्यादा मुझे नी रूम पीछे मिल रहा था। तो नीचे जो है मुझे पैरों को स्ट्रेच करने के लिए जगह भी मिल जाती है। और बात करें फीचर्स की, तो आपको जो है यहाँ पे हर एक सीट पर जो है एसी वेंट देखने को मिलते हैं। पीछे की सीट के लिए जो एसी वेंट है वो यहाँ पर है, पीछे की रो की सीट्स के लिए भी जो एसी वेंट है वो ऊपर की तरफ दिए हुए हैं। और जो आपको पावर विंडो इसमें नहीं मिलती है पीछे की सीट्स पर, कुछ इस तरह की जो है आपको यहाँ से मैनुअली आपको जो है विंडोज़ रोल अप और रोल डाउन करना पड़ेगा। जो इनसाइड डोर ओपनर हैं वो ब्लैक कलर में आपको जो है दिए हुए हैं, और ये जो थोड़ा सा पुराने स्टाइल का आपको मिलता है। और यहाँ पर जो हाथ रखने के लिए किसी भी तरह का फैब्रिक का यूज़ नहीं किया हुआ है यहाँ पर। और यहाँ कुछ कॉइन्स आप रख सकते हैं। बोतल होल्डरों के बारे में बात करें तो 1 लीटर की बोतल जो है यहाँ पर आराम से फिट हो सकती हैं। जो गाड़ी में फैब्रिक दिया हुआ है वो भी काफ़ी सही यूज़ किया हुआ है, हालांकि फैब्रिक कितने अच्छा हो हमें लगाने से सीट कवर ही है। और सारी सीट्स के अंदर आपको जो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। सीट बेल्ट भी आपको सारी सीट्स में मिलती हैं, ग्रैब हैंडल भी आपको जो है पीछे के सीट्स में मिल जाएंगे, मिरर एरिया भी है ताकि पीछे जो पैसेंजर बैठे हुए हैं उनको जो है क्लस्टोफोबिक फील नहीं हो, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। तो पीछे के पैसेंजर्स के लिए किसी भी तरह का चार्जिंग पॉइंट वगैरह नहीं है, मतलब 12 वोल्ट का चार्जिंग है, यूएसबी चार्जिंग नहीं है। 2 स्पीकर का सेटअप आपको मिलता है पीछे की तरफ, जो स्पीकर अभी नहीं है इसके अंदर, फ्रंट में ही 2 स्पीकर दिए हुए हैं। लाइट की बात करें तो लाइट जो है कैबिन लाइट सिर्फ आगे मिलती है हमें, उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। हम जो है बीच वाली सीट्स को रिक्लाइन कर सकते हैं यहाँ से जब हम करेंगे तो रिक्लाइन हो जाएगी, कुछ इस तरह से आराम से रिक्लाइन भी कर सकते हैं, काफ़ी रिक्लाइन हो जाती है। पूरा करके मैं आपको बताऊं तो ये जो सीट है वो काफ़ी ज़्यादा, ये इतना इसका रिक्लाइन एंगल है वो अभी इतना है, पूरा रिक्लाइन हो चुका है ये। तो आराम से अगर 5 लोग हैं ना तो बूट स्पेस को यूज़ करके आराम से अपनी जर्नी को कम्प्लीट कर सकते हैं, बड़ी आरामदायक कार हो जाएगी। तो बात करें हम ड्राइवर डोर की, तो यहाँ पर जो है आपको इस तरह का लॉक और अनलॉक स्विच मिल जाता है यहाँ पर, और आपको फ्रंट के 2 पावर विंडो के कंट्रोल यहाँ देखने को मिलते हैं। इनसाइड डोर ओपनर जो है आपको यहाँ ब्लैक कलर में देखने को मिलते हैं। बैठने हम अंदर की तरफ, तो अंदर बात करते हैं। तो ORVM के जो एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इस तरह की आपको जो स्टिक देखने को मिलती है, इससे जो है आप अपने ORVM को जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें AC वेंट्स की, तो यहाँ पर जो है आपको एक
सिल्वर लाइन सिल्वर फिनिश की लाइन देखने को मिलती है, और यहाँ पर जो है पियानो ब्लैक कलर का इंसर्ट आपको देखने को मिलता है। बाकी सब जगह हार्ड प्लास्टिक यूज़ की हुई है, कहीं पर भी जो है फैब्रिक का यूज़ नहीं है। इस मॉडल में RXL ये वेरिएंट हम देख रहे हैं, और विंडो का जो ग्लास एरिया है वो भी काफ़ी बड़ा है। अगर हम MID की तरफ बात करें तो इस तरह की आपको जो है इस वाले वेरिएंट में आपको MID देखने को मिलती है, और सभी वेरिएंट्स में इसी तरह की देखने को मिलती है। यहाँ पर जो है आपको टेकोमीटर है, और इधर जो है आपको फ्यूल इंडिकेटर दिया हुआ है, ऊपर जो है इंजन टेम्परेचर गेज दिया हुआ है। यहाँ पर जो है आपको डिजिटली स्पीड देखने को मिलेगी, यहाँ पर डिस्टेंस टू MT वगैरह का जो है ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और इस MID को जो है आप यहाँ से जो है आप देख सकते हैं क्या क्या मिलता है आपको। ट्रिप ए माइलेज आपको दिखाता है, ट्रिप बी आपको दिखाएगा, ट्रिप ए आपको दिखाएगा, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी आपको दिखाएगा, तो कुछ इस तरह की जो है आपको इन्फॉर्मेशन, डिस्टेंस टू MT भी दिखा देगा, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाती है। बाकी कुछ वार्निंग लाइट्स भी दी हुई हैं, सीट बेल्ट रिमाइंडर, जो हैंड ब्रेक जो है उसका साइन दिखा रहा है, क्योंकि हैंड ब्रेक अभी एंगेज है, ABS का साइन दिखा रहा है, गाड़ी चलेगी तब ये भी चला जाएगा। तो कुछ इस तरह की जो है इसमें आपको MID देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग जो है आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, नीचे से थोड़ा सा डिज़ाइन इसमें दिया हुआ है, हल्का सा फ्लैट बॉटम है ये, और मतलब ठीक है। इसमें किसी तरह के ऑडियो माउंटेड कंट्रोल आपको देखने को नहीं मिलते हैं। बीच में जो है रेनॉल्ट का लोगो है, उसके आसपास जो है पियानो ब्लैक की फिनिश आपको दी हुई है। और इधर की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, और इधर की तरफ हम बात करें तो इंडिकेटर और जो है हेडलैम्प से रिलेटेड कंट्रोल आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसकी एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है एक लीवर है, इसको हम नीचे करते हैं तो इसकी जो एडजस्टेबिलिटी है वो आपको टिल्ट मिलती है। टेलीस्कोपिकली जो है आपको इसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें सेंटर कंसोल की, तो सेंटर कंसोल में आपको जो है दो AC वेंट देखने को मिलते हैं। बीच में यहाँ पर एक पियानो ब्लैक फिनिश दी हुई है, और जो यहाँ से वहाँ तक जो है आपको एक पियानो प्रीमियम ब्लैक फिनिश जो है देखने को मिल जाती है। इससे थोड़ा लुक जो है गाड़ी का एनहेंस हो जाता है इंटीरियर का। और उसके नीचे हम बात करें तो आपको मिल जाता है 2D म्यूजिक सिस्टम, इसमें दो स्पीकर का सेटअप आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो है इसको उससे यहाँ पे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से जो है वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है ऑक्स का आपको कनेक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है आप USB या फिर इस तरह का चार्जिंग केबल या फिर कुछ लगा सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर जो है जगह दी हुई है, और ऐसे बंद कर सकते हैं ताकि नीट एंड क्लीन लगे। तो मीडिया, रेडियो, इस तरह का सेटअप वगैरह के जो है आपको बटन्स यहाँ देखने को मिल जाते हैं, टाइम यहाँ बता देगा, और जो भी म्यूज़िक ट्रैक आपका चल रहा है वो भी आपको ये बता देगा। इससे नीचे की तरफ हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपको हैजार्ड लैंप का स्विच देखने को मिल जाता है, बाकी ये स्विच किसी काम के नहीं है, ये आपका लॉक और ये अनलॉक का ही स्विच है, यहीं से जो है लॉक हो जाएंगे और यहीं से जो है अनलॉक हो जाएगा। तो उसके नीचे अगर हम बात करें तो ये जो है जो डायरेक्शन है एयर का, उसको यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। ये एक छोटा सा रेड कलर का इंडिकेटर दिया हुआ है, इससे आप इंडिकेट कर सकते हैं कि ये कहाँ पर है। और ये आपकी जो फैन स्पीड है उसको एडजस्ट करते हैं, 3, 4, 2 पे ठीक लग रहा है। और एयर इंटेक के लिए जो है आप यहाँ देख सकते हैं ये जो नीचे नोब दिया हुआ है, तो एयर इंटेक कहाँ का चाहिए आपको, अंदर से चाहिए बाहर से चाहिए, तो उस तरह का जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये टेम्परेचर के लिए है, कूल या फिर जो है गर्म हवा चाहिए या ठंडी हवा चाहिए, तो उसको एडजस्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ से जो है AC ऑन ऑफ करने का बटन भी आपको दिया गया है। ये जो ब्लैक कलर के जो आपको मार्क्स दिए हुए हैं सब में दिए हुए हैं, ताकि जो है आपको पता रहे कि कहाँ पर आपको अपने प्लेस किया है। और उससे नीचे हम बात करें तो यहाँ पर कुछ स्पेस देखने को मिल जाता है, यहाँ आप मोबाइल वगैरह अपना वॉलेट वगैरह रख सकते हैं। और उसके नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो है 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है। उसके नीचे अगर हम आएँ तो यहाँ पर जो है गियर लीवर है जो कि 5 स्पीड का है, और यहाँ पर जो है कवरिंग भी दी हुई है लेदर की। तो हैंड ब्रेक लीवर जो है कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, किसी भी तरह का यहाँ पे जो टिप जो है इसकी वो क्रोम में या फिर प्रीमियम ब्लैक फिनिश में नहीं दी हुई है। और यहाँ पर जो है आपको 2 कप होल्डर देखने को मिलते हैं, और इसमें जो है आपको एक स्पेस दिया हुआ है जो कि कूल्ड है, बिल्कुल कूल्ड है, एयर का फ्लो आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ आप पानी की बॉटल्स वगैरह सब रख सकते हैं छोटी वाली, या कोल्ड ड्रिंक के कैन वगैरह रख सकते हैं जिससे कि वो ठंडा रहेंगे। और पीछे के जो AC के आपको जो है ब्लोवर आप एडजस्ट कर सकते हैं उनकी फैन स्पीड को। और इस साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपको जैसे इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स में जाते हैं तो आपको जो है 2 ग्लोव बॉक्स मिलते हैं, एक यहाँ मिलता है एक यहाँ मिलता है, लेकिन इस वेरिएंट में जो कि RXL वेरिएंट है इसमें आपको सिंगल ग्लोव बॉक्स मिलता है।
तो ये एकदम खटाक से नीचे गिरने वाला ग्लव बॉक्स है, और ये कूल्ड नहीं है ऑब्वियसली। और यहाँ आपको कुछ जगह दी हुई है कुछ सामान वगैरह रखने के लिए, तो यहाँ आप कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं। और इधर की तरफ बात करें तो सेम चीज़ें मिलती हैं, पावर विंडो कंट्रोल, नीचे स्पीकर आपको मिल जाता है, यहाँ जो है ग्रैब हैंडल है, सभी सीट्स पर जो है आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है, और फ्रंट से कुछ इस तरह की लुक आती है पीछे जब हम देखते हैं तो। और वैनिटी मिरर जो है आपको इसमें नहीं मिलता है यहाँ पर, और इसको हम यहाँ कर दें तो ये इतनी जगह इसमें छूट जाती है, तो यहाँ से धूप आती रहती है, इसको वापस लगा देते हैं। लैंप हमें ये मिलता है छोटा सा, ये एलईडी भी नहीं है, नॉर्मल बल्ब है। जो आईआरवीएम है वो काफ़ी नॉर्मल सा बेसिक आईआरवीएम हमें देखने को मिलता है, डे एंड नाइट मैनुअल भी अपने को नहीं मिलता है। और ये माइक दिया हुआ है, यहाँ से हम जो है बात कर सकते हैं कॉल्स वगैरह पर। और ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर भी आपको नहीं मिलता है इसमें, और इसमें भी जो है गैप थोड़ा सा रह जाता है। तो कुछ इस तरह के फ़ीचर्स जो हैं आपको फ्रंट साइड में देखने को मिल जाते हैं। जो सीट के फैब्रिक की हम बात करें तो वो ओके है, किसी भी तरह का फैब्रिक हो। देखो जब फैब्रिक की सीट्स होती हैं तो सब लोग जो हैं सीट कवर लगवा लेते हैं। और सीट बेल्ट रिमाइंडर वगैरह आपको मिल जाता है इसमें, इस गाड़ी में दो एयरबैग इसमें आ जाते हैं। जो टॉप मॉडल है इसका उसमें 4 एयरबैग आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि रेनॉल्ट की सारी गाड़ियां, मतलब रेनॉल्ट के जो ड्राइवर के जो सारे वेरिएंट्स हैं वो 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आए हैं। जो ग्लोबल एनकैप ने जिस मॉडल को 4-स्टार रेटिंग दी है वो 2 एयरबैग वाली हैं, तो इसमें शुरू से ही जो है 2 एयरबैग मिल जाते हैं आपको। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है कि इसका स्ट्रक्चर, इसका प्लेटफॉर्म जो है का इतना अच्छा है कि इसे 4-स्टार मिले हैं। तो अगर हम बात करें नीचे की तरफ तो यहाँ पर हमें जो है ABC पेडल देखने को मिलते हैं, और एक डेड पेडल हमें इसमें जो है नहीं मिलता है। यहाँ से जो है आप इसकी हेडलैम्प्स को जो है लेवल कर सकते हो, तो ये उसको लेवल करने के लिए दिया हुआ है। और यहाँ पर जो है आपको फ्यूल लिड खोलने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और बोतल होल्डर के लिए आपको यहाँ जगह दी हुई है, 1 लीटर की बोतल जो है आप यहाँ पर रख सकते हो। तो कुछ इस तरह का इंटीरियर था। और हम बात कर लेते हैं अब इसके हेडरूम वगैरह के बारे में। दोस्तों मैं हूँ RXL वेरिएंट में, और इसके अंदर जो सीट हाइट का एडजस्टमेंट है वो नहीं आता है। तो उसके बाद जो है हमें हेडरूम कुछ इतना ज़्यादा मिल जाता है, मतलब इतना हमें हेडरूम देखने को मिलता है। और नी रूम जो मैंने आपको दिखाया है मैंने इतना रखा हुआ है ताकि जो है मैं कम्फर्ट, मेरा पैर जो है यहाँ टच नहीं हो, उस हिसाब से रखा है मैंने। तो अब मैं पीछे की सीट पर जाता हूँ और आपको जो है बताता हूँ कि उसमें जो है हेड रूम और नी रूम कितना मिलता है। तो दोस्तों अभी मैं हूँ मिडिल सीट्स पर, और यहाँ पर जो है हेड रूम काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है मुझे। जितना आगे मिल रहा था लगभग उतना ही मिल रहा है, इतना ज़्यादा जो है मुझे यहाँ पर हेड रूम देखने को मिलता है। और अंडर थाई सपोर्ट जो है काफ़ी ठीक है, बुरा नहीं है, काफ़ी सही है। मेरी हाइट जो है 5'8" है, तो उस हिसाब से काफ़ी सही है। मैंने इसे थोड़ा सा आगे कर रखा है, मतलब फिर भी मुझे जो है ना इतना स्पेस मिल रहा है। अगर मैं कंफर्टेबली बैठता हूँ तो भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे मेरे लिए। मतलब इसको मैंने पहले इस तरह एडजस्ट किया था कि पीछे वाले को भी जो है इतना ही मुझे जो है पीछे वाले जो पैसेंजर बैठेगा उसे भी इतना आपको नी रूम मिले, तो उस हिसाब से मैंने एडजस्ट किया था। तो नी रूम और हेड रूम की इस गाड़ी में जो है कोई दिक्कत नहीं है। मेरी हाइट के लोग जो हैं 5'8", 5'5", 5'6", 5'7", 5'9" तक के लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई इससे ज़्यादा हाइट का है ना तो उसे आगे बिठा दो, वो ज़्यादा बढ़िया है। और बाकी जो लोग हैं वो पीछे बैठ जाएँ तो ज़्यादा सही है। पीछे की सीट पर 2 एडल्ट आराम से आ जाएंगे, 5'5" से 5'8" की जो हाइट है उस हाइट के जो बंदे हैं आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली उनको जर्नीज़ में। और बीच की सीट पे जो है आराम से बैठ सकते हैं 6 फीट तक के बंदे, 6 फीट से कोई ज़्यादा है तो उसे आप आगे की सीट पे बिठा दीजिए। तो मिडिल सीट से जो है इस गाड़ी का डैशबोर्ड का लुक जो है कुछ ऐसा आता है, तो वो आप देख सकते हैं, एक वन व्यू जो है आप ले सकते हैं इस गाड़ी का, कुछ इस तरह का नज़र आता है। तो जो बोनेट खोलने के लिए जो लीवर है वो आपको यहाँ मिलता है, तो यहाँ पर एक लीवर है, उसको आप पुल करेंगे तो बोनेट खुल जाएगा। बोनेट का हम देख के इंजन बे की तरफ आप नज़र डाल लेते हैं एक बार। तो रेनॉल्ट ट्राइबर में कुछ इस तरह का इंजन बे हमें देखने को मिलता है। इस इंजन की अगर हम बात करें तो ये 999 CC का 3 सिलेंडर इंजन है, जो कि 72 PS की पावर हमें देता है और 96 Nm का टॉर्क हमें निकाल के देता है। तो मतलब ठीक ठाक इंजन है, ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है, और स्मूथली चलने के लिए एक 90-100 तक क्रूज़ करने के लिए सही इंजन है, ऐसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो अगर किसी को पावरफुल इंजन चाहिए, मतलब ज़्यादा PS का, 100 PS तक का, तो उसके लिए
ये इंजन नहीं बना हुआ है, कोई रफ़ गाड़ी चलाता उसके लिए नहीं है, कोई भगाता उसके लिए ये गाड़ी नहीं है, मतलब आराम से चलने के लिए गाड़ी है। ज़्यादा ओवरटेक वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, आराम से चलने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए इंजन जो है बना हुआ है 7 लोगों को, तो उस तरह की ये गाड़ी हो जाती है। यहाँ पर जो है कुछ इंसुलेशन हमें देखने को मिल जाती है ताकि जो है अंदर की तरफ जो है आवाज़ कम जाए।